मैं खोल के कहता हूँ हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। दिखा दिया दुनिया को अच्छा होता है, और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। इधर कुछ समय से शांत चल रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में अचानक उबाल आ गया है। इसकी वजह भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव बलियान द्वारा जाट संसद में दिया गया बयान बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की दशकों पुरानी मांग का समर्थन कर माहौल गर्म कर दिया है। मैं खोल के कहता हूँ हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, मेरठ की राजधानी होनी चाहिए। 8 करोड़ की आबादी है, बहुत छोटे छोटे प्रदेश है। जिस दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बन जाएगा, ये इस देश का सबसे अच्छा प्रदेश होगा, सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्री का यह बयान आने के बाद फौरन बाद इसे लोकसभा चुनाव को देखते हुए सोची समझी रणनीति माना जा रहा था, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम का विरोध सामने आने के बाद अब कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इस सबके बीच पश्चिमांचल की समर्थक राष्ट्रीय लोकदल ने संजीव बालियान के बयान का समर्थन किया है। बता दें कि पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में लोकसभा की 31 सीटें हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को विभाजित करने की मांग काफी पुरानी है। 12 साल पहले मायावती ने मुख्यमंत्री रहते विभाजन का प्रस्ताव किया था, जो विधानसभा से पारित हो गया था, लेकिन मामला केंद्र के अधिकार क्षेत्र का होने के कारण नतीजा कुछ नहीं निकला था। अब एक बार फिर केंद्रीय मंत्री ने बोतल में बंद जिन को बाहर निकाल दिया। बता दें कि संजीव बालियान ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी हो। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और हाईकोर्ट यहाँ से 750 किलोमीटर दूर। ऐसे में यह मांग पूरी तरह से जायज है। केंद्रीय मंत्री के बयान में अपने लिए अवसर देखते हुए रालोद ने समर्थन जताने में देरी नहीं की। रालोद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री, उन्हें भाषण देने की जरूरत नहीं। सरकार में शामिल लोग भाषण नहीं दिया करते, बल्कि काम पूरा करते हैं। बालियान के इस बयान से भाजपा को कोई फायदा होगा या नुकसान, या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसे लेकर पार्टी के अंदर ही विवाद खड़ा हो गया। फायर बार्न नेता और भाजपा के पूर्व सरधना विधायक संगीत सोम ने कहा कि वेस्ट यूपी अलग हुआ तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इस इलाके में समुदाय विशेष की आबादी तेजी से बढ़ी है और हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि संजीव बालियान ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी और इमरान मसूद जैसे नेता करते हैं। पूर्व विधायक ने केंद्रीय मंत्री के बयान से खुलकर असहमति जताते हुए कहा कि वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ। ये है कि हम इस तरीके की बात करते हैं, क्या राज जब देश और दुनिया में अभी हमारा G20 में जो पटंका बजाया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है। यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया में चर्चा है कि कितना भव्य आयोजन हो, जिसमें दिखा दिया दुनिया को कि हम अच्छा होता है। और हम उसके बावजूद बात करें कि हम पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बना दे, वो बना दे। नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका है, 70 से 80% है। आप यहाँ क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी NCR के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृहद प्रदेश बना के उसमें जोड़िए जाए। ना अलग हाईकोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल उनके बयान से एकदम सहमत नहीं हूँ। और चूंकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, मैं जानता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश। नहीं नहीं, मैं उनसे मिलेंगे तो बात करूंगा। मेरी पार्टी के मेरे साथी हैं तो उनसे बात करूंगा कि भाई आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के खिलाफ है और हम लोगों की भावनाओं के खिलाफ नहीं कर सकते। अब ये तो उनकी मनसा है, मेरी बात नहीं हुई होगी, वो मैं पूछ के बताऊंगा। देखिए, सरकार के ऊपर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सोच के देखिए ना कि हम किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर हम प्रदेश की तरक्की चाहते हैं, हम छोटा प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमें मांग ये करनी चाहिए कि हमें दिल्ली को बड़ा करके वृहद प्रदेश बना के हमारे NCR के जिले दिल्ली में जोड़ने चाहिए। दिल्ली में जुड़ने के बाद पश्चिम का विकास भी होगा और दिल्ली हमारी राजधानी,
देश की राजधानी, हमारे प्रदेश की राजधानी होगी, तो हमें दिल्ली की मांग करनी चाहिए, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करनी। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल, सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।